आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के 29 दिन बाद आज आखिरकार सरकार बन ही गई। आज सुबह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बड़ी बात यह है कि एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुंबई स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचने पे देवेंद्र फडणवीस का जोरदार स्वागत किया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार सुबह अचानक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। राकांपा प्रमुख शरद पवार द्वारा शिवसेना को समर्थन का आश्वासन दिए जाने के बाद शुक्रवार की रात तक खबरें आ रही थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वहीं सभी को चकित करते हुए सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लोग यह जानने को उत्सुक है कि यह कैसे संभव हुआ। एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राकांपा प्रमुख शरद पवार के बीच 50 मिनट तक जो बैठक हुई थी यह उसी का नतीजा है। शनिवार को जो भी हुआ उसकी नींव उस बैठक में रख दी गई थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन खत्म होने की घोषणा की और 3 घंटे बाद उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भी उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में किसानों के मुद्दे पर बात की थी, जबकि सूत्रों का कहना है कि 50 मिनट की उस बैठक में सिर्फ किसानी और किसानों की बातें ही नहीं हुई बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति और अन्य संभावनाओं को लेकर भी बातचीत हुई होगी। आपको बताते हैं कि कब कब कैसे कैसे क्या घटा, यानी बीजेपी ने कब सरकार बनाने की पहल शुरू की। रात 9:30 बजे कल रात 9:30 बजे के आसपास देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे। फडणवीस ने अपने पास 173 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया। इस दावे में देवेंद्र फडणवीस ने 54 एनसीपी के विधायक और 14 निर्दलीय और अन्य विधायकों के समर्थन होने का दावा किया। रात 12 बजे के आसपास एनसीपी के विधायक दल के नेता अजीत पवार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास एनसीपी के 54 विधायकों की हस्ताक्षर सहित सूची लेकर पहुंचे। अजीत पवार ने अपना समर्थन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को देने का पत्र राज्यपाल को सौंपा। एनसीपी का समर्थन पत्र मिलने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस बात से संतुष्ट हो गए कि देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है। रात साढ़े बारह बजे ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में लोकतांत्रिक सरकार के गठन का रास्ता साफ करने के लिए राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय लिया और केंद्र को राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के हालात बनने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश भेज दी। सुबह साढ़े पांच बजे के आसपास राज्य में लगा राष्ट्रपति शासन हटाने की जानकारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दी गई। सुबह छह बजे के आसपास राज्यपाल सुबह देवेंद्र फडणवीस सरकार की शपथ कराने का निर्णय लिया। सुबह साढ़े छह बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण कराने की अर्जी भेजी गई। अर्जी में सुबह ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का निवेदन भी था। 8:07 पर शपथ ग्रहण। राज्यपाल को बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण की अर्जी मिलने के बाद ही राज्यपाल ने सुबह 8:07 पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की शपथ ग्रहण करवाई। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल
मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.